आपका स्वागत है हमारी किचन में, राघव वंडर्स में। तो हम अपनी किचन में आज बनाने वाले हैं पोहा। तो पोहा बनाने के लिए हम जो इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे वो है पोहा, राई, शुगर, सॉल्ट, मूंगफली, मटर, करी पत्ता, कटा हुआ प्याज, बॉइल्ड कॉर्न्स, हरी मिर्च, कटा हुआ धनिया, नींबू। चलिए तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हमने ले लिया है कढ़ाई, उसके अंदर तेल। तो सबसे पहले हम डालेंगे मूंगफली। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी मूंगफली अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसको अपनी कढ़ाई से निकाल लेंगे। अब हम थोड़ा सा पोहा लेंगे और उसको हम अब धोएंगे। ये पोहा अब हमने धो लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे कटा हुआ नींबू। अब हम डालेंगे शुगर। ये शुगर हमने हाफ स्पून ली है। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने अपना पोहा अब थोड़ी देर के लिए रख दिया है, तब तक के लिए हम अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे राई। थोड़ा सा करी पत्ता, कटा हुआ प्याज, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे हम कटा हुआ मिर्च। अब हमारी प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब हम डालेंगे मटर। कॉर्न फिर से हम इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा शुगर डालेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट स्वाद अनुसार और थोड़ा सा नींबू। मसाले में हम शुगर, सॉल्ट और नींबू उतना ही डालेंगे जितना हमारे मसाले के लिए ज़रूरत होगा, क्योंकि हमने अपने पोहे में भी सॉल्ट, शुगर और नींबू डाला हुआ है। तो आप उतना ही डालना जितना आपके पास मसाला है। देखिए हमारे मसाले का कलर कितना अच्छा आ रहा है। अब हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी। हल्दी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं जिससे हमारे पोहे का कलर बहुत अच्छा आए। और अब हम इसे ऐसे ही मिक्स करेंगे फॉर 5 मिनट्स। अब हम अपने मसाले में डालेंगे मूंगफली। मूंगफली को लास्ट में हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमने पहले ही उसको पका लिया था, तो इसलिए हम इसको अभी लास्ट में डाल रहे हैं। अब हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अपना पोहा।
अब हम पोहे को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि आपका पोहा थोड़ा सा सूख रहा है तो आप इसमें पानी की थोड़ी छींटे डालेंगे ऊपर से। ज्यादा पानी आप ऐड मत करिएगा और फिर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से धनिया। देखिए हमारा पोहा कितना सुंदर लग रहा है। अभी हमारा पोहा रेडी हो गया है। अब हम इसे अपनी सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। अब पोहा हमने अपनी प्लेट में रख लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा गार्निश करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे नमकीन, थोड़ा सा प्याज, देखिए हमारा पोहा कितना सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये पोहा अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू।